इज लाइव फ्रॉम डेली ग्लोब, मैं हूं रिपोर्टर है बहुत दर्शकों। आज हम लोग है कोर्ट हाउस में मेयर के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया मेयर का कि उन्होंने डेली ग्लोब को बुलाया इस इंटरव्यू के लिए। तो ये इंटरव्यू उस चीज का जवाब देने के लिए बुलाया है जो हाल ही में न्यूज आई थी। रिपोर्टर हमारे बहुत ही होनहार रिपोर्टर मिस्टर माधव पांडे की जो जहरीली न्यूज है उसका एपिसोड 7, जहरीली खबर का एपिसोड 7 में मेयर को एक सिविलियन ने डाउन किया था पिल बॉक्स के बाहर। आई एम सो सॉरी गाइस, इज नॉट पिल बॉक्स एनीमोर, सेंट्रल लॉस सेंटोस मेडिकल सेंटर के बाहर मेयर को डाउन किया था एक बंदे ने। इस चीज पे बात ये है कि मेयर को डाउन किया तो गया, लेकिन सामने कौन थे? हमारे ऑफिसर्स थे, हमारे बहादुर एलएसपीडी के ऑफिसर्स थे जिनके सामने हादसा हुआ है, बट स्टिल उन्होंने इस चीज पे क्या एक्शन लिया है मेयर से, मेयर की खुद की जबानी सुनते हैं। तो मेयर सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया सर डेली ग्लोब को, तो बताइए उस दिन हुआ क्या था, एनपीडी ने क्या एक्शन लिया इस पे? देखिए, जो उस दिन जो दुर्घटना हुई हमारे साथ उसके बारे में हम बताना चाहेंगे लोगों, क्योंकि हमने देखा एक हमारी क्लिप वायरल हुई जिसमें हम वहाँ पे डाउन पड़े और वहाँ पे पीडी ऑफिसर्स कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं वहाँ पर, जिन्होंने हमें डाउन करा है वो आके वहाँ पर इंटरव्यू दे रहा है, बट पीडी ने उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया, वहाँ से वो बाइक पर बैठे और चले गए। तो उसके बारे में बोला चाहेंगे, उनसे हमने एक ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, उनका नाम था कोरी हाईलैंड्स, और मेयर्स ऑफिस की तरफ से उनको एक सस्पेंशन लेटर जा चुका है अनटिल इंक्वायरी कम्प्लीट होती है। जब तक ये इंक्वायरी चल रही है सिटी में कि वहाँ पे क्या किसने गलत करा, किसकी तरफ गलती थी, तब तक ले कोरी हाईलैंड सस्पेंडेड है। ये ऑर्डर मेयर्स ऑफिस की तरफ से पीडी को जा चुका है, और जो दूसरा ऑफिसर है उसको भी हम आइडेंटिफाई करने की ट्राई कर रहे हैं। हमने पीडी से बहुत बार क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि दूसरा ऑफिसर कौन प्रेजेंट है वहाँ पे, बिकॉज उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, अभी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है, बट डोंट वरी, वो भी जल्द ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और बोलना चाहिए उसके बारे में तो वो बहुत बुरा हुआ, और हम पब्लिक में इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि वो जो क्लिप है वो पब्लिक में आ चुकी है, तो ये सब कुछ मैटर भी पब्लिक में आना चाहिए कि क्या चल रहा है एवरीथिंग बिटवीन पीडी एंड मेयर। तो सर आप ये बताइए, सिनारियो जो हुआ उसमें आपको एक सिविलियन ने मारा, लेकिन सिविलियन को छोड़ छाड़ के ये सीन ऐसा हुआ कि आपको पीडी को आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है कि वो थे कौन? क्योंकि सिविलियन को तो वो पकड़ ही नहीं पाए ना, मतलब लिसन, अगर आप न्यूज देखेंगे वहां सिविलियन ने मेरे को डाउन करा, वो उन्होंने कुछ नहीं करा वहां पर, वो देख रहे हैं वहां पे। एक ईमेज वाली थी, भगवान करे उन डॉक्टर का, डॉक्टर टीम का, जिन्होंने मेरे को वहां से बचा लिया, बट वो तो मेरे को अंदर बिल बॉक्स में भी नहीं लेके जा रहे थे वहां पे, वो जिसमें को डाउन करा वहां खड़ा है आराम से, फिर वहां जाके इंटरव्यू दे रहा है, वो वहां से चले गए छोड़कर, उनको कुछ परवाह नहीं है कि मेरा डाउन है क्या। सर ये हमने जो हैशटैग निकाला, ये अंधा कानून है, इतना कैसे अंधा हो गया सर कि जो कल्पिट है उसको छोड़ के आपको खुद के केस के लिए सर ऑफिसर को आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है, ये क्या चल रहा है हमारे शहर में? ये आपको बोलना चाहूंगा, एक रिसेंटली एक और इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ जिसमें हम पर अपन आइटम पे थे, जहाँ पर हम पर गोलियां भी चली थी, जहाँ पर मैं, डायना जी जो अपन आइटम ओनर है, और विंसेंजो जो एक लॉयर है, प्राइवेट लॉयर, वो प्रेजेंट थे वहाँ पर, अगर आई विटनेस चाहिए तो वो दोनों आई विटनेसेस भी है। हम पर गोलियां चली वहाँ पर, हमारी गाड़ी के टायर्स फोड़ दिए गए, बट वहाँ पर ना कोई सिक्योरिटी थी हमारी, ना अभी तक सिक्योरिटी प्राइवेट करी है, तो हम पर अटैक हो रहे हैं, बट पीडी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, ना उसकी अभी तक रिपोर्ट मिली है कि उनको जिन्होंने पे गोली चलाई उनको पकड़ा गया, ना किसी की रिपोर्ट अभी तक हमें मिल नहीं पा रही है पीडी की तरफ से। जी सर, जो सीएलएस के बाहर आपको मारा उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, जो आपके ऊपर गन पॉइंट हुआ उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, एंड इससे पहले जो सिचुएशन हुआ था जिसमें एक ऑफिसर गोलियां भरी गई हम पर, ओके गोलियां भरी गई है सर, उसका भी कोई रिपोर्ट नहीं है। एंड जो तीसरा सिचुएशन हुआ था कुछ दिनों पहले जिसमें एक ललन चौरासिया सर थे, उन्होंने आपका, आपने जैसा बताया गाड़ी पिट के आपको हैंडकफ भी किया था एंड गन पॉइंट भी किया था, उसके ऊपर क्या रिप्लाई आया सर? उसका भी अभी तक हमें रिपोर्ट पेंडिंग है, वो भी हम मांग रहे पीडी से, बट वो भी अभी तक हमारे तक रिपोर्ट पहुंची नहीं है। और अच्छा, तो तीन सिचुएशन ऐसे हुई सर, एंड आप शहर के मेयर है तो भी आपको इतना डिले कराया गया, तो आप ये बताइए सर, एक मामूली जो होता है एक सिविलियन जो डेली उठ के सोचता है कि आज मैं काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, सो जाऊंगा, सर मेयर जैसे इंसान को इतना इग्नोर किया जा रहा है, तो मामूली इंसान क्या एक्सपेक्ट करेगा सर एलएसपीडी से? ये मैं बोलना चाहूँगा, जो मामूली इंसान है आई थिंक लोग भी थोड़े नाराज है पीडी से, बट मैं बोलना चाहूँगा कि पीडी आई थिंक सो अभी कुछ उनके सिस्टम में जो है, आई थिंक देर आर सम ऑफिसर्स जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे मे बी, और बट ऐसी बात नहीं, कुछ ऑफिसर्स अच्छे भी है पीडी के अंदर, सारे ऑफिसर्स वैसे नहीं है, तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बट मैंने देखा आपका इंटरव्यू जिसमें लोगों का यू नो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही अलग था और बहुत अग्रेसिव था पीडी को लेकर, तो हमने पीडी को एक बुलाया मीटिंग पे, लाइक वो हम बात करना चाहेंगे कि ऐसी उनकी इमेज बन गई है लोगों में कि किसी को ट्रस्ट ही नहीं रहा उनके ऊपर, तो हम वो चाहते कि एक बार उनसे बात करें और सॉल्व करें इस इशू को,
ये लोग भी फिर से ट्रस्ट कर पाए पीडी को और पीडी एक अच्छे से वर्क कर पाए। और ऐसा थैंक यू सो मच सर इंटरव्यू के लिए। आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे द लास्ट? नहीं बस इतना ही ऐड करना चाहेंगे अभी। तो दर्शकों आप लोगों ने देखा कि मेयर बोल रहे हैं कि कुछ ऑफिसर्स आज भी अच्छे हैं, लेकिन मेयर के साथ ही इतना बुरा हो रहा है, गोलियां चल रही है मेयर पे, ऑफिसर्स ही उनके गाड़ी को रैम कर रहे, पिट कर रहे, उनके ऊपर हैंड गन पॉइंट करके उनको हैंडकफ किया जा रहा है। मेयर खुद परेशान है कि पेंडिंग पे पेंडिंग, तारीख पे तारीख निकल रही है, मेयर के केस सॉल्व नहीं हो रहे, तो जनता का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा। ये न्यूज़ जो है रिकॉर्ड की गई थी फ्राइडे नाइट को, और जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, यानी कि 1 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाने वाली है LSPD की तरफ से, जिसमें वो सारे इश्यूज को एड्रेस करने वाले। सो स्टे ट्यून एंड देखते हैं उनका ये केसेस पे क्या अपडेट है, जिसमें हम सारे सवाल पूछेंगे सिर्फ आप लोगों के लिए। दर्शकों आज के लिए इतना ही, मैं और रिपोर्टर हेबा रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम द कोर्ट हाउस जय लॉस सैंटोस।